विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, नंदिनी के फैसले को नहीं मानती। और अगर तुम्हें लगता है ना नंदिनी ने बिल्कुल सही फैसला किया है तो भी ठीक है, मैं ही इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। माची प्लीज ऐसा मत कहे, मैं तो सिर्फ बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। अब मैं इस कमरे से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक मुझे कोई रास्ता ना मिल जाए उस लड़की को इस घर से बाहर निकालने का। ओफो, फिर वही सरदर्द, लाओ मैं दबा दूं। यजमान जी, मैं अब आपके पिताजी की आत्म शांति के लिए पूजा पाठ आरंभ करता हूँ। आप एक पुष्प लेकर अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पण कीजिए। शांताकारं भुजगशयनम्। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोमाय नमः स्वाहा, ओम ब्राह्मणे भ्यो देवताये भ्यो नमः स्वाहा। आपने अपने ये मैं विधवा का सफेद लिबास नहीं पहनूंगी। चाहे ये लड़की मेरे पति की आत्मा की शांति के लिए इस घर में शांति पाठ क्यों ना रखवाए, लेकिन मेरे लिए मेरे पति अभी भी जिंदा है। मेरे दिल में, इस घर में उनकी राख को इस घर की हवा में उड़ाया गया है, तो फिर वो हमसे दूर कैसे हो सकते हैं। मैं रंगों का त्याग नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी को उसी तरह से जूंगी जैसे मैं जीना चाहती हूं। रवि बाबा, ये कुरियर वाले ने कुछ देखे क्या? रवि,
रवि, रवि ये क्या है? वकील का नोटिस है चाची जी। क्या? किसने भेजा है? मां ने। मां ने नंदिनी के खिलाफ नोटिस भेजा है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीती हूँ, किसी और के मुताबिक नहीं। क्यों हैरानी हो रही है? और सुनो, वसीयत के खिलाफ हमने कोर्ट में चुनौती दे दी है। नहीं सतपाल, नहीं, हमने चुनौती इस लड़की को की। कोर्ट में तो मैं इस लड़की को घसीटूंगा, जहां पर वीर जी की मौत को लेकर इस लड़की से तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और यह भी पूछा जाएगा कि एक रात में इस लड़की ने प्राजी को ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी कि सब कुछ भाई साहब ने इसके हवाले कर दिया। चाहे पुलिस तुम्हें बेगुनाह समझे, लेकिन मेरी नजरों में मेरे पति की मौत की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हें ही हो रहा है। बस करो, बस करो, प्लीज बस करिए। आप लोग हर बात के लिए नंदिनी पे इल्जाम लगाना प्लीज बंद करो। नहीं, नहीं, अब जो फैसला होगा वो सिर्फ कोर्ट में होगा, कोर्ट में। आप दोनों से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मां। वैसे बेटा, मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक अनाथ अनजान लड़की को इस घर की बहू बना कर ले आओगी। वैसे बेटा, कोर्ट में तुमसे पूछा जाएगा कि ये लड़की कहां से आई है, इसके परिवार वाले कौन हैं, तो बेटा तुम्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सोच लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो कहती है इसे कुछ भी याद नहीं। निशित भैया, इस रक्षाबंधन में आपको मुझे ना एक महंगा सा गिफ्ट देना होगा। ये सस्ते वाले गिफ्ट से ना मेरा काम नहीं चलने वाला, मैं बोल दे रही हूँ आपको। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले जो मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे वो तो लौटा। सॉरी भैया, आपको उसके लिए ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या, मैंने तो सोचा था कि जायदाद मिल जाएगी उसमें से। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे तेरा गिफ्ट मिल जाएगा। निशित भैया, मेरा गिफ्ट पता है मुझे इस बार रक्षाबंधन में क्या चाहिए? बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना ढेर सारी कॉमिक बुक चाहिए।
ओ गॉड सोनिया, तुम कब बड़ी होगी? मुझे कॉमिक पढ़ना अच्छा लगता है भैया। अरे तो भैया अच्छी बात है ना, आप सस्ते में निपट जाओगे। I'm sorry. लेकिन भैया आपको ना मुझे डायमंड इयररिंग्स ही देनी पड़ेगी। डायमंड इयररिंग्स? तुम्हें कॉमिक्स? अच्छा भैया, जिसे जो चाहिए मिल जाए। That's like a good brother. इतने दिनों बाद इस घर में हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। आप लोग चुप क्यों हो? मॉम, कुछ पैसे चाहिए। रक्षाबंधन के लिए सोनिया और छवि के लिए गिफ्ट लेने थे। मेरे पास कहाँ है पैसे? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ, जाकर अपनी भाभी के सामने हाथ फैलाओ। उससे कभी नहीं। क्या सोच रहे हो, अपनी बेइज्जती के बारे में? देखो बेटा, तुम्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेने के काफी मौके मिल जाएंगे। कहते हैं ना, वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो जाओ, जाकर अपनी भाभी के सामने उसके लाडले देवर बन जाओ। ये आप क्या कह रहे हो मॉम? मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम्हें पैसे भी चाहिए और अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है तुम्हें, मेरे पास एक रास्ता है। जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करना तुम। कौन है? अरे निशित, तुम? वो कुछ पैसे चाहिए थे, रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनों के लिए गिफ्ट्स लेने थे। मैं मॉम के पास गया था, उन्होंने कहा कि पैसे देने या ना देने का हक सिर्फ आपके पास है। आप चाहेंगी तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो। प्लीज निशित, ऐसे मत कहो। मैं किसी को भी कोई भी बंधन में नहीं रखना चाहती। अच्छा बताओ, क्या तोहफा देना चाहते हो अपनी बहनों को? वो सोनिया ने कुछ बुक्स मांगी हैं और छवि को डायमंड इयररिंग देने। अरे वाह, डायमंड इयररिंग्स। वैसे आपका कोई भाई नहीं है? सगा? मुंह बोला। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था।
मेरा मतलब आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। नहीं निशी, रिश्तों के मामले में मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक ही रिश्ता जानती हूं, मेरा और रवि का, और मेरा रिश्ता इस परिवार के साथ बस। वैसे एक बात कहूं, आप कल मुझे ही क्यों नहीं राखी बांध देती? आपको एक भाई भी मिल जाएगा और मुझे एक बड़ी बहन भी। सच? सच कह रहा हूँ, अगर आप मुझे राखी बांधोगी तो मैं आपके लिए भी गिफ्ट लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए पैसे वो मैं दूंगी। थैंक्स। अगस्त भाई, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अपना निशित बाबा इतना बदल सकता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे निशित को एक तोहफा देना था। मैंने रवि से कहा है ऑफिस से आते वक्त एक अच्छा सा तोहफा लेकर आए। अरे देवा, कितनी खुश नजर आ रही हो। बस ऐसे ही खुश रहे, किसी की नजर ना लगे तुझे। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तो तब खुश होगी जब तुम हमको खबर देगी कि हमारे घर में छोटा रवि आ रहा है। सुन भाई, क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे मुझे बोलो। सच कह रही हो? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। नंदिनी और रवि ने शादी तो कर ली, पर उन दोनों के बीच अब भी दूरियां कायम है। लेकिन क्यों? ये मैं जानना चाहती हूँ। दोनों ने लव मैरिज की है और दोनों के बीच लव नहीं। स्ट्रेंज। मुझे तो इस लव स्टोरी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है। वैसे नंदिनी आज बहुत खुश दिखाई दे रही थी, पता है क्यों? क्योंकि निशित उससे राखी बनवाने के लिए राजी हो गई। आप देखिएगा आंटी, नंदिनी सबको अपने रिश्तों में बांधकर अपनी उंगलियों पर नचाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। घबराओ मत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राखी वाले दिन तो मैं संभालूंगी, लेकिन आज रात को क्या करना है ये तो मुझसे संस्कार, संस्कार। आज दिन कैसा था आपका? अच्छा था।
वैसे आप ऑफिस में कुछ खावा लेते हैं या ऐसे ही? आप कैसे सवाल पूछ रहे हो नंदिनी? ऑफ कोर्स खाता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कल निशित को राखी बांधने वाली। अरे हाँ, राखी से याद आया। तुमने निशित के लिए गिफ्ट मंगवाया था। Just so pretty. Thank you so much. क्या हुआ नंदिनी? रवि, शादी से पहले का मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन हमारी नई नई शादी हुई, तुमने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है नंदिनी। अच्छा, सुनो, पिछले दिनों हम सभी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ नंदिनी, क्या नहीं हुआ इस घर में, बस उसी टेंशन में नंदिनी तुम्हारे साथ मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ। आई लव यू। आई लव यू नंदिनी। आई रियली रियली लव यू। हाँ, अगर आप एक गर्मा गर्म कप कॉफी का पिला दें तो शायद हमारा प्यार आपके लिए थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अभी लाइव प्रकाश बोलो। क्या अभी ऑफिस आना पड़ेगा? प्रकाश, क्या करूं मैं आप लोगों की लापरवाही का, बताइए ना। टेंडर सबमिट करने की लास्ट डेट कल है और आप मुझे फोन करके अभी बता रहे हैं कि ऑफिस आने के लिए। सब लोग वहीं वेट करिए, मैं आ रहा हूं। वहीं रुकिए। क्या हुआ? प्रकाश का फोन था नंदिनी, ऑफिस से, हमारे अकाउंटेंट का। कितने लापरवाह हो सकते हैं लोग नंदिनी। कल टेंडर सबमिट करने की लास्ट डेट है और मुझे फोन करके ऑफिस आने के लिए अभी कहा जा रहा है इतनी रात को। I'm really sorry, लेकिन मुझे ऑफिस जाना होगा नंदिनी। अरे कोई बात नहीं, काम है तो जाना ही होगा ना। आई लव यू। फिर से चला गया। नंदिनी, आजकल रात रात को रवि कहाँ जाता है? कुछ काम था, ऑफिस गए हैं। ओ, कितनी मेहनत करता है रवि। पर नंदिनी, पता है शादी से पहले रवि एक बार अगर ऑफिस से घर आता था तो बस बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता था। हम साथ में बैठ के खाना खाते थे, बातें करते थे, एंजॉय करते थे, और अगर बाय चांस ऑफिस से फोन आ गया तो जाने के लिए साफ मना कर देता। पर पता नहीं आजकल रवि को क्या हो गया है, जब देखो काम काम काम। एक्सक्यूज मी। हाँ, thank you.
संस्कार।